अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने सड़क सुरक्षा के बारे में जन जागरूकता पैदा करके दुर्घटनाओं को कम करने का सुझाव दिया। परभणी में उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में QR कोड सुविधा का उद्घाटन किया गया। राज्य के दिन ब दिन दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा के तहत उपाय किए गए ये और संख्या को कम करने के लिए दो चरणों में इस 5% से कम करने का प्रयास किया गया है। लोगों में जन जागरूकता का पैदा कर दुर्घटनाओं पर रोक आज इस विभागीय समीक्षा बैठक में परभणी परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि इस अवसर पर उप परिवहन आयुक्त संजय मैत्रेवार, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शैलेश कामत, उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अश्विनी स्वामी, अनंत जोशी, हिंगोली नांदेड़ के अविनाश राउत, अपर पुलिस अधीक्षक यशवंत काळे, उप विभागीय अधिकारी दत्तू शेवाळे आदि समय मौजूद थे। वंचित बहुजन आघाड़ी की संयुक्त आढ़ावा बैठक संपन्न। 25 फरवरी 2024 के रोज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश जी अम्बेडकर इनके हाजिरी में OBC भटके विमुक्त आदिवासी आरक्षण बचाओ रेलगार महासभा का आयोजन किया गया। संदर्भ में वंचित बहुजन आघाड़ी जिला संयुक्त समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में वंचित बहुजन आघाड़ी के राज्य उपाध्यक्ष प्रोफेसर किशन चौहान, मराठवाड़ा प्रवक्ता धर्मराज चौहान, जिला अध्यक्ष सचिन गंगा खेड़कर, शहर अध्यक्ष रंजित मकरन, युवा जिला अध्यक्ष सुमित भालेराव, युवा शहर अध्यक्ष प्रमोद भाव कुटे और पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल थे। सर्व समाजातील धर्मातील कार्यकर्ते विशेष करून भटकेमुक्त OBC समूहातले कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। मोठ्या जल्लोषामध्ये साहेब येणार असल्याचं आणि सभा घेणार असल्याचं स्वागत या कार्यकर्त्यांमधून आज करण्यात आलं। ताकतीने सर्व कार्यकर्ते कामाला लागतील आणि महाराष्ट्रामध्ये जो काही मराठा आणि OBC आरक्षणाचा जो तिढा उभा राहिलेला आहे त्या तिढ्यावरचा मार्ग फक्त आणि फक्त महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरच काढू शकतात, कारण त्यांनी यापूर्वीच मागणी केलेली आहे की मराठ्यांचं ताट वेगळं आणि OBCंचं ताट वेगळं। OBCच्या आरक्षणाच्या ताटातून मराठ्यांना आरक्षण देता येणार नाही ही भूमिका इतकी स्वच्छ आणि पारदर्शी आदरणीय बाळासाहेबांनी यापूर्वी मांडलेली आहे आणि म्हणून OBC समाजामध्ये बाळासाहेबांच्याबद्दल या भूमिकेबद्दल प्रचंड आशाभूत नजरेनं ते सगळे बघत आहेत आणि म्हणून सर्व परभणी जिल्ह्यातील सगळ्या समाजातील OBC भटकी विमुक्त कार्यकर्ते ताकतीनं या ठिकाणी काम करणार आहेत। बाळासाहेबांवरती प्रेम करणारा मोठा समुदाय या परभणी जिल्ह्यामध्ये ते देखील ताकतीनं या ठिकाणी ही सभा यशस्वी करण्यासाठी कामाला लागले आहेत। ऐतिहासिक लाखोच्या संख्येनं आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांची सभा या परभणीमध्ये होणार आहे। यापूर्वी झाली नाही, नंतरही होणार नाही अशी सभा आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांची होणार। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की फदरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे आयुर्वेदिक विद्या विशारद बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक रहे परभणी के सैयद शाह तुराबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, इनका उर्स 31 जनवरी से शुरू हुआ है। 31 जनवरी के रोज गुस्तखानी होने के बाद 1 जनवरी के रोज जिला प्रशासन की ओर से संदल निकाला गया और 2 फरवरी के रोज जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर के आदेश पर यहाँ पर छुट्टी दी जाती है। उसी को देखते हुए परभणी के सबसे बड़ा संदल निकलने वाला मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से बड़े पैमाने पर संदल निकाला जाता है। इसमें खासतौर पर जिस तरह राजा महाराजा के इसमें बंगई वगैरह रहती है और उसके साथ उसके झूले और छतरी अन्य ऐसे सामग्री लेकर यह कृषि महाविश्वविद्यालय की ओर से बड़े पैमाने पर संदल निकाला गया और कृषि विश्वविद्यालय से निकलकर सीधा दरगाह तक ये संदल पहुंचाया गया। इस समय बड़े पैमाने पर कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे। उसी के साथ साथ हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके संदल के दौरान रेलवे माल धक्का परभणी इनकी ओर से भी 2 फरवरी के रोज बड़े पैमाने पर संदल निकाला गया। ये माल धक्का रेलवे स्टेशन से निकालते हुए तमाम मार्ग से होकर चौक में से गुजरते हुए ये संदल दरगाह हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके बारगाह में पहुंचा। इसके अलावा बैलबंडी यूनियन की ओर से संदल निकालकर इसमें भी बड़े पैमाने पर नगारे, बाजे, अन्य ऊँटों के साथ साथ संदल निकालते हुए बड़े पैमाने पर संदल निकाला गया। मातंग समाज के युवक पर जानलेवा हमला करने वालों के खिलाफ
फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामले को चलाते हुए दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इसके अलावा उस परिवार को आर्थिक सहायता करे, ऐसी मांग का निवेदन जिला कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री को दिया गया है। गए निवेदन पर सुनील शिंदे, गवारे एडवोकेट अमल सोनो ने, अभय गायकवाड़, बाला साहेब शेजुड़े, खुशाल कांबळे, अशोक साठे, नाश आवाड़ आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। आज डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वतीन परभणी वतीन माननीय जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देण्यात आले होते की 22 तारखेला लातूर येथे राम प्रतिष्ठापनेच्या आनंदोत्सव साजरा करण्यासाठी शोभायात्रा काढण्यात आली होती, पण तिथे एक मातंग समोरचा युवक गेला असता त्या युवकावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला आणि त्या प्राणघातक हल्ला करून त्याच्यावर एक जातीय द्वेष भावनेतून तिथे जातीय तेढ निर्माण करण्याचा किंवा दोन जातीमध्ये सलोखा तोडण्याचा ऐक्य तोडण्याचं जे काम तिथले जातीवादी मनुवादी व्यवस्थेतील लोक करत आहेत, त्यामुळं आम्ही तिथं जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्री साहेबांना निवेदन सादर केलं आहे की ती जी केस आहे ती फास्ट ट्रॅकमध्ये चालवावी व त्यासाठी एक सरकारी वकील नियुक्त करावा आणि त्या कुटुंबाला आर्थिक सहाय्य मदत करावी, यासाठी आज आम्ही डीपीआयच्या वतीने निवेदन दिलं आहे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दिगर समस्याओं का इलाज हमारे पास, हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू, बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करें, पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए, चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा व चेहरे की झुर्रियां खत्म करें, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी, 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। ईवीएम मशीन हटाओ और देश बचाओ, इस विषय को लेकर तर्स रिपब्लिकन पार्टी की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा चुनाव आयुक्त महाराष्ट्र राज्य इन्हें निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर अध्यक्ष सुधीर धुलवड़े, जिला उपाध्यक्ष प्रकाश खरात, किशन कांबळे, दिलीप कांबळे, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर मौजूद है। जगह मध्य ज्या सर्व का लोकशाही देश ईवीएम मशीन हटवले है मत कारण की मतदान फ्रॉड होते म्हणून आम भारत सरकार है पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी वतीने की ईवीएम मशीन हटाओ और देश बचाओ म्हणून माझी कळकळीची विनंती है सरकारला आणि सर्व जनतेला, आम्ही सर्व भारत देश त्यांच्या पाठीशी आहोत आमच्या जनतेशी, कारण ह्या ईवीएम मशीनमुळे जगामध्ये फ्रॉड होत आहे म्हणून भारतामधली ती आधी हटली पाहिजे अशी आमची पैंथर्स पार्टीच्या वतीने मागणी आहे। माझं नाव मी जिल्हा अध्यक्ष सुधीर विठ्ठलराव दुधवडे, पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टीचा। ऑगस्ट 1947 भारत देश स्वतंत्र झाला, 26 जानेवारी 1956 आमचे महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आम्हाला जगातली सर्वोत्कृष्ट लोकशाही म्हणून संविधान ते आम्हाला गोरगरिबांना एकमताचा अधिकार दिला। संविधानामध्ये सर्वोच्च पद राष्ट्रपतींना असते, प्रथम नागरिक भारताचा राष्ट्रपती त्यांनाही एकमताचा अधिकार, आणि गोरगरीब पालातले असो झोपडले झोपडीपट्टीतले कुणा किंवा फुटपाथले त्याला बी एक मताचा अधिकार दिला। हे शासन आमचा एक मताचा अधिकार ईवीएम मशीनद्वारे हिसकवण्याचं काम करत आहे, त्याबद्दल 2 फेब्रुवारीला पूर्ण भारत देशामध्ये पूर्ण जनतेनं आणि जनतेची आणि आमची पॅन्थर रिपब्लिकन पार्टीची मागणी होती, पण तुराकबुल हक्क उरुस निमित्त कलेक्टर डिक्लेअर सुट्टी असल्यामुळे आम्ही हे निवेदन 5 तारखेला कलेक्टर साहेबाला दिलं आणि आमचं पॅन्थर रिपब्लिकन पार्टी आमचाला दिलेला संविधानाने एकमताचा अधिकार जर हिसकावून घेत असेल तर शांत बसणार नाही, अजून या पलीकडे तीव्र आंदोलन करण्याचे। ढालेगाव बांध में पानी छोड़ा जाए, इस मांग को लेकर जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि फिलहाल में ढालेगाव बांध में बहुत कम पानी का जल आपूर्ति रहने के कारण इस बांध से जुड़े हुए तकरीबन दोनों बाजू के गांव, तकरीबन 12 से 15 गांव, ये गांव में 5 और उसी के साथ पात्री शहर में पानी की जलपूर्ति योजना
पूरी जुड़ी हुई है। भविष्य में इन गाँव के लिए पानी की किल्लत हो सकती है और यहाँ के जानवरों के पानी के लिए और इंसान के पीने के पानी के लिए ये जरूरी चीज़ होने के कारण जायकवाड़ी के डाय कालवे से यानी कैनाल से बांध में पानी छोड़ा जाए ऐसी मांग की गई है। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमान मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आंख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर से चौक रोड बैरागी कॉलोनी तुलसीपुर जनपद बलरामपुर यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड आजम चौक से आगे तवक्कल मेडिकल के करीब परभणी महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। शिक्षकों को अशैक्षणिक कामे और सर्वेक्षण स्कूल के बाहर के कामे ना दिए जाए इस बात को लेकर राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की ओर से आज तारीख 5 फरवरी 2024 को जिला कलेक्टर द्वारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव इन्हें निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि स्कूल के अलावा अन्य कामें देने के कारण बच्चों की शिक्षाओं पर इसका परिणाम हो रहा है और उस परिणाम के कारण माता पिता रोष में आ रहे हैं, इसलिए शिक्षकों को दोनों तरफ से उनकी परेशानी हो रही है। इस परेशानी को देखते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए शिक्षकों को किसी अन्य काम में ना लगाए जाए सिवाय शिक्षकों को स्कूल के अलावा अन्य काम में ना लगाए इस बात का निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर डॉक्टर संजय धाबरडे राज्य सचिव जमादार एसवी हमारे बीआर बलखंडे आरएस तीखे एएस कामड़े आरएल आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। माननीय जिलाधिकारी कार्यालय परभणी प्रोटान तर्फे पूर्ण महाराष्ट्र मध्ये 36 जिल्ह्यांमध्ये आज शिक्षकांच्या अशैक्षणिक कामासंदर्भामध्ये जी काही महाराष्ट्र शासनाने जे धोरण अवलंबलेलं आहे त्या धोरणाच्या विरोधामध्ये शिक्षकांना अनेक प्रकारचे अशैक्षणिक कामे आणि विविध प्रकारचे सर्वे या माध्यमातून समाजामध्ये शिक्षकांची जी गुणवत्ता विद्यार्थ्यांना देण्याची जी पत आहे ती पत वरचेवर खालावत चाललेली आहे आणि समाजामध्ये शिक्षकांच्या प्रती जो द्वेष निर्माण झालेला आहे त्याला पूर्णतः शासन जबाबदार आहे। येणाऱ्या काळामध्ये शासनाने जे काही खासगीकरणाचे धोरण अवलंबलेलं आहे त्या धोरणाच्या विरोधामध्ये सर्व शिक्षक संघटनांचा असंतोष आहे, त्या असंतोषाचा प्रतीक म्हणून आज आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी यांना, माननीय राज्यपाल यांना, जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे आम्ही आज निवेदन दिलेलं आहे। येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही मंत्रालयावरती सर्व शिक्षक संघटनांचा मोर्चा घेऊन जाणार आहोत, त्याची पूर्वतयारी म्हणून आज आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री, सचिव, उपमुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री या सर्वांनाच आम्ही हे निवेदन दिलेलं आहे। या ठिकाणी मी एवढंच या ठिकाणी बोलू इच्छितो। धन्यवाद। हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूवर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।